एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। जैसा कि आपको पता है, मैं आया हुआ हूं ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेड क्वार्टर माउंट आबू, और यहां पर मेरी मुलाकात हुई है वरिष्ठ राजयोगी। लगभग 50 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आ चुके हैं, 35 वर्षों से ज्यादा इनको समर्पण किए हो चुके हैं। जब भी आप माउंट आबू आते हैं तो यहाँ शांति वन है, जहाँ से ब्रह्मा कुमारी का पूरा कार्य चलता है। वहाँ पे दादी कॉटेज है, जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कार्य चलता है। मुन्नी बहन जी वहाँ पर हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी की ज्वाइंट चीफ हैं, उनके भी सहयोगी हैं, 3-4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी नदन स्टेट्स हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और थोड़ा बहुत उत्तराखंड भी। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में। आप पहली बार आए हैं और रात का लगभग हम 10 बज रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो क्या घटना थी जिसने आपका जीवन बदल दिया और आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए? ओम शांति। एमपी लाइव का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्वागत है। थैंक यू। बाबा के इस आध्यात्मिकता की अलख जगाने के निमित्त बचपन से ही एक अच्छे संस्कार माँ बाप ने डाल दिए थे। तो जब हम आए तो 4th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे, जब हमारे को इस संस्था में माउंट आबू लेके आए थे, और अव्यक्त बाप दादा से मिलन का एक प्रोग्राम था, तो जिसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला था। मुझे याद है वो दिन 1978 में मैं जब पहली बारी अव्यक्त बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिला था, तो बाप दादा ने मेरे से पहला प्रश्न पूछा था, बच्चे कच्चे हो या पक्के हो? उस समय मैं आध्यात्मिकता को नहीं जानता था कि बाबा का भावार्थ क्या है पूछने का, कच्चे हो या पक्के हो। उम्र भी कम थी, आप 8-9 वर्ष भी कम थे, 8-9 वर्ष के रहे होंगे। बिल्कुल। तो जवाब मुझे देना था, जवाब आता नहीं था, तो मैंने भैया की तरफ मुड़ के देखा तो उन्होंने धीरे से कहा, बोल दो पक्का हूं। तो मैंने जोर से कहा कि बाबा पक्का हूं। मुझे नहीं था उस समय पता कि कच्चा क्या होता है, पक्का क्या होता है, लेकिन बाप दादा ने उस समय मेरी जन्म पत्री शायद पढ़ ली होगी कि आगे चल करके ये बच्चा मेरा इस यज्ञ में संपूर्ण जीवन को व्यतीत करेगा।